आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका, शायद सिक्स नहीं, देखो मैंने पांच पार्ट करवाए थे उस दिन, आज एक पार्ट हो गया छठा, ये सातवां पार्ट है, तो इसको करते हैं। सुन, आज मैं आपको करवा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका फर्स्ट रूल है, उसको देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट रूल, क्या है? देखो, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी बॉडी हो, कुछ और मशीन हो, या कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी, उस चीज़ को अगर आप क्यों हीट देते हो, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप क्यों हीट देते हो ना, तो उस क्यू हीट से कुछ तो आपको वर्क दे देती है, W तो वर्क दे देती है, और कुछ हीट है वो अपने पास रिजर्व रख लेती है, अपने पास बचा के रख लेती है, ΔU। कुछ हीट है वो अपने पास बचा कर रख लेती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी को अगर आप हीट देते हो तो वो हीट दो पार्ट में काम आती है। एक तो वो हीट वर्क करने में काम आती है, ये सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको बताऊँ, आप जो पंखा है उसको आप एनर्जी दोगे, वर्क दोगे, हीट दोगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, कितनी दोगे आप? कुछ अमाउंट, उसमें से कुछ तो वो वर्क कर लेगा, ठीक है। क्या एक चीज़ बताओ, क्या हमेशा पंखा अगर आप उसको 250 जूल एनर्जी देते हो तो क्या आपको 250 जूल वर्क मिलता है? कभी नहीं मिलता आपको, 150 ही नहीं मिलता ढंग से आपको, 125 जूल या 140 जूल के अराउंड आपको वर्क मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इतना तो वो आपको वर्क दे देगा, और कुछ एनर्जी वो अपने पास रख लेता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। ये एनर्जी वो खा जाता है पंखा, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी क्यू है वो आपका क्या होता है? W प्लस में डेल्टा। तो सीधा सा रूल है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, कि जब अगर आप कोई बॉडी को हीट क्यू देते हो तो वो बॉडी है वो क्यू हीट लेके आपको W तो वर्क दे देगी, और कुछ एनर्जी अपने पास रिजर्व रख लेगी, जिसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो ये इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, और क्यू है वो तो यहाँ पे हीट है, है ना, और जो आपका W है वो आपको बॉडी है, उसने जो आपको वर्क दिया वो वर्क है, और डेल्टा U जो है, डेल्टा U आपका क्या है? डेल्टा U आपका है जो एनर्जी बॉडी ने अपने पास रख ली, और वो एनर्जी है वो बॉडी के इंटरनल पार्ट है बॉडी का, जो एटम्स है उनके अंदर सेव हो जाती है जाके वो एनर्जी, तो उस एनर्जी का नाम अपन लोग क्या देते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो क्यू आपका हीट है वो इक्वल होता है किसके? वर्क प्लस में इंटरनल एनर्जी के। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतना आपको करना है, ठीक है, बस इतना ही है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, है ना। और तो क्या करें, आप ऐसे करते हैं, इसको सुंदर सुंदर लिखते हैं। हाँ सुन, मैंने आपको क्या बोला कि जब कोई बॉडी को क्यू हीट देते हैं तो क्यू हीट से डेल्टा यू तो वो अपने पास एनर्जी कंजर्व कर लेती है, सेव कर लेती है अपने एटम्स में, और W है वो आपको क्या दे देती है? वर्क दे देती है ना, ठीक है। अब ये इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, कि ए बॉडी टेक्स 500 जूल हीट फ्रॉम अस एंड गिव्स 300 जूल वर्क टू अस, देन व्हाट वुड बी हर इनिशियल इंटरनल एनर्जी If he has, it has, कितनी मान लो, कुछ भी मान लो यार, मान लो ये आप 100 जूल, 100 जूल,
क्या लिख दिया, व्हाट वुड बी हर इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल एनर्जी क्या होगी इफ़ इट हैज़ 100 जूल, फाइनल इंटरनल एनर्जी। ठीक, ये क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। भी कोई बॉडी है, उसको आप लोगों ने 500 जूल जो हीट है वो उसको दे दी, ठीक है, उस बॉडी को। अच्छा, 500 जूल हीट में से 300 जूल तो उसने वर्क कर दिया और 200 जूल एनर्जी सिंपल सी बात है वो अपने पास रखेगी। अच्छा, अगर उसके पास पहले, हाँ आपको बताना है कि उसके पास जब उसने वर्क वगैरह नहीं करवाया था, अपने बॉडी को एकदम आइडल रख रखा था, तब उसके पास कितनी एनर्जी थी। अगर उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की और कुछ हुआ उसके बाद में उसके पास 100 जूल फाइनल इंटरनल एनर्जी है। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। भी कोई इंजन था, गाड़ी का इंजन, आपने उस इंजन को जब स्टार्ट नहीं किया, उससे काम नहीं करना कर रहे थे, तब भी उस इंजन के पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बड़ी चीज़ के पास भी एनर्जी होती है, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके पास पहले कुछ एनर्जी थी, फिर आपने क्या किया, उस बॉडी को अपनी तरफ से कुछ एनर्जी दी, ठीक है, उस एनर्जी में से आपने कुछ उससे वर्क ले लिया, तो बॉडी कुछ एनर्जी अपने पास रखेगी। अच्छा, उस बॉडी के पास कुछ एनर्जी तो पहले से ही थी, जब आपने उससे वर्क ना भी करवाया था तब भी, ठीक है, और अब उस बॉडी ने कुछ एनर्जी और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, कुल मिला के उसके पास फाइनल एनर्जी है वो कितनी जमा हो गई, 100 जूल। तो आपको बताना है ये जो इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले इनिशियल उसके पास कितनी एनर्जी थी। भी इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, ठीक है, आप समझ गए मुझे। अब सुनो, क्वेश्चन को करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में डेल्टा U, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। अब कितनी एब्जॉर्ब की, फाइनल कितनी थी माइनस इनिशियल कितनी थी। भी एक चीज़ देखो, कोई बॉडी के पास 300 जूल है, बाद में 500 जूल हो गई, तो उसने कितनी एब्जॉर्ब की, 500 में से 300 घटा दो 200। तो कहने का मतलब डेल्टा U है वो कितना होता है, U2 माइनस U1, जितनी फाइनली जाके एनर्जी थी माइनस जितनी पहले थी, और प्लस में। अब आपको क्या क्या दिया है, Q आपको दे रखा है 500 जूल, उसको आपने हीट दी, W उसको आपने दे रखा है कितना, 300 जूल। अच्छा, और क्या, हाँ, और ये कि 100 जूल जो है वो एनर्जी उसके पास फाइनली है, यानी U2 कितनी है, 100 जूल। तो आपको पता ये करना है कि U1 कितनी है। तो भाई डेटा रख दो, इसके अंदर कुछ नहीं है, डेटा रख दो, Q की जगह कितना आ जाएगा 500, U2 की जगह कितना आ जाएगा 100, U1 हमें निकालना है, और प्लस में W कितना है, 300। तो अब तो कर लोगे आप मेरे हिसाब से, क्योंकि 300, 500, 200, 200, 100 माइनस 200, शुरू में उसके पास कितनी एनर्जी थी, माइनस 100 जूल एनर्जी थी, ठीक है। तो बॉडी थी उसके पास शुरू में कितनी एनर्जी थी, नेगेटिव में एनर्जी थी माइनस 100 जूल, फिर उसने कितनी एनर्जी ली आपसे, 500 जूल आपने दी थी बॉडी को, तो 300 का तो वर्क कर दिया, 200 आपसे उसने और ले ली, तो फाइनली उसके पास जाके कितनी एनर्जी हो गई थी, 100 जूल थी। तो डेटा आपका मैच कर रहा है, आपने फॉर्मूले से निकाला, फॉर्मूले से जो वैल्यू आई उसको दोबारा रख के आंसर को वेरीफाई भी किया और कर लिया आपने, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आया, -100 जूल। आगे देखते हैं, इसको आगे करते हैं, वीडियो कहीं से कट तो नहीं रहा है ना, अच्छा यहाँ नीचे से कट, चलो कोई नहीं, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते हैं इसको। देखो,
आगे देखो नेक्स्ट। अगर हाँ, अब बात करते हैं आपका, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन से आप अच्छे से समझो। असल में आपको मैं समझाना चाहता हूँ साइन कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट रूल, कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है उसका साइन कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो इसको करते हैं, सुनो, सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक कार्ट हैज गिवन ए वर्क अमाउंट ऑफ 500 जूल एंड इट गिव्स अस हीट ऑफ, मान लो भी कुछ कितना 400 जूल, देन फाइंड फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी हैज, कितनी मान लो 200 जूल, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो सबसे बड़ी गलती तो आप इस क्वेश्चन में ये करोगे कि जैसे ही मैं ये क्वेश्चन लिखूँगा आप इसको करने लगोगे, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस में, तो ये गलती नहीं करनी है, करना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। अब आप एक चीज़ सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ अजीब उल्टा पुल्टा लिख दिया, कैसे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि एक कार्ट है उसको वर्क देते हैं, जबकि रूल तो कुछ और बोलता है, रूल तो कहता है कि जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो बदले में बॉडी है वो हमें वर्क दे, बॉडी देती है वर्क, तो यहाँ तो कुछ और लिखता है कि एक कार्ट को वर्क डन हमने दिया है ना। दोबारा सुनो, हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, ये उल्टा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। रूल यही कहता है कि आप हीट दो, बॉडी आपको हीट के बदले वापस क्या देगी, वर्क देगी, ठीक है, बट आप तो कुछ और ही कर रहे हो, आप बॉडी को वर्क दे रहे हो, है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है, ठीक है, इसमें ये रूल है। अब एक चीज़ सुनो, हम हमेशा बॉडी को हीट ही देते हैं, कभी बॉडी को हम वर्क नहीं देते, ठीक है, और अगर कभी बॉडी को वर्क दे दिया तो हम लोग उस वर्क को क्या ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वर्क हम नहीं देते, अगर हम दे रहे हैं तो वो अपोजिट केस है, और अपोजिट केस के में हम क्या लेंगे, वर्क को, नेगेटिव। एंड इट गिव्स, बॉडी हमें क्या दे रही है, हीट दे रही है 400 जूल, जबकि बॉडी का काम तो हीट देना नहीं है, बॉडी का काम तो है हीट को लेना और हीट को लेके वर्क देना, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी, ये तो फिर से गलत काम है, यानी बॉडी को हीट नहीं देनी चाहिए, तो ये हीट भी यहाँ पे क्या है, नहीं। और डेल्टा यू है उसका कोई साइन नहीं होता, लेट, इसके बारे में एक सिंपल सी थ्योरी है, लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स, मतलब इसको भगवान भरोसे छोड़ दो, आप इसका साइन डिसाइड नहीं करोगे, ये अपना साइन खुद डिसाइड कर देगी। आपको सिंपल याद रखना है डेल्टा यू क्या होता है, U2 - U1। तो कहने का मतलब जो क्यू है, आप वैल्यू रख दो सबकी, हीट कितनी है -400, W कितना है -500, और डेल्टा यू आपका क्या है U2 - U1, आप वैल्यू पुट कर दो, -400 -500, और जो U2 - U1 है उसकी वैल्यू आप रख दो, U2 की वैल्यू है वो कितनी है, कितनी है, हाँ U2 की वैल्यू आपको निकालनी है ना, फाइनल इंटरनल एनर्जी तो आपको फाइंड करनी है, और U1 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 200।
तो अब वैल्यू आप रख दो, देखो माइनस 400 माइनस 500 यहाँ से कट के माइनस 100 और माइनस का 200 माइनस का 300 इधर आएगा प्लस का 300, तो आपका जो U2 है वो कितना आएगा 300। तो भाई